गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के वीडियो में मैं इस आई मेकअप को क्रिएट करना दिखाऊंगी और मैं आप लोगों के सामने ये आई मेकअप क्रिएट करूंगी। सो ये आई मेकअप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब इस तरह का आई मेकअप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं क्रिएट करती हूँ मेकअप लुक। सो मैंने बहुत ही डिफिकल्टी से क्रिएट किया है इस मेकअप लुक को, सो प्लीज जज मत करना उतना टफ तरीके से। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो गाइस मैंने यहाँ पे मेरा पूरा जो आई मेकअप है एंड बाकी का जितना भी मैंने यहाँ पे मेकअप दिखाया है, पूरे मेकअप में ही मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज किया है। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से इस डार्क ब्राउन कलर को। तो यहाँ पे मैंने फिट मी के कंसीलर से अपने आईलिड को प्राइम कर लिया है। फिर मैं यहाँ पे इस पिंक कलर को अप्लाई कर रही हूँ क्रीज लाइन पे। स्विस ब्यूटी के पैलेट से मैं सारे जो कलर्स यूज कर रही हूँ स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा आप लोगों को। सो, अभी मैंने लिया है इस डार्क पर्पल कलर को और उससे क्रीज लाइन को थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ। और सो, यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी के कंसीलर से अपने क्रीज को कट कर रही हूँ। सो, आज मैं यहाँ पे फुल कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ, हाफ नहीं। अभी मैं कंसीलर को सेट कर रही हूँ कंसीलर के कलर के ही एक आई शेडो से। और यहाँ पे मैं इस लाइट ब्लू कलर को अप्लाई कर रही हूँ कट क्रीज के इनर कॉर्नर की तरफ। और सारे जो भी कलर्स मैं यूज कर रही हूँ स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो, उसके बाद मैं उससे थोड़ा सा डार्क ब्लू अप्लाई कर रही हूँ जो कि बिल्कुल नीचे ही है इस कलर के, एंड आउटर वी की तरफ मैंने यहाँ पे इस ब्राउन कलर को यूज किया है। ये एक वार्म टोन ब्राउन कलर है। तो इसके बाद मैं ब्राउन से पहले एक ब्लू कलर भी यूज किया है। और यहाँ पे मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर का आई शेडो लिया है और कट क्रीज के ऊपर लाइन की तरह ड्रॉ किया है ताकि ये और थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखे। यहाँ पे मैं आईलैश अप्लाई करने के बाद मेरे फेस का जो बाकी मेकअप है बेस मेकअप वो मैंने कर लिया है, बाकी का पूरा मेकअप। तो लोअर लैश लाइन पे मैंने पहले उस लाइट ब्लू कलर को अप्लाई किया है इनर पार्ट पे, एंड आउटर पार्ट पे मैंने उस वार्म टोन ब्राउन कलर को यूज किया है। और इनर कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे एक वार्म टोन येलो कलर यूज किया है, ऑरेंजी स्टोन है थोड़ा सा इसमें। सो, ये ब्लू हेवन का लिपस्टिक है, मैं बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो, इस लिपस्टिक को मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो, लिपस्टिक में और थोड़ा सा पर्पल कलर लाने के लिए मैं यहाँ पे एक आई शेडो को यूज कर रही हूँ उसके ऊपर। तो जनरली मैं बोल्ड काइंड ऑफ आई लुक के साथ यूज करती हूँ न्यूड कलर्स, लेकिन मेरा आज कुछ डिफरेंट करने का मन था इसलिए मैंने इस वैम्पी काइंड ऑफ पर्पल कलर को चूज किया है। दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।